अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस के साथ, मैं हूं उल्फत बशीर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आए रोज जम्मू कश्मीर में तहकीकाती एजेंसियां छापामार कार्रवाई अंजाम दे रही है, वहीं आज हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें जम्मू के तीन अजला में तकरीबन 250 मिलिटेंट जो अभी पाकिस्तान में मुकीम है उनकी जायदाद को जब्त करने की हवाले से मंजूरी दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से हमारे आरिफ मुंशी जो तफसीलात फरहम करेंगे। जी आरिफ, बताइए आज जो हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें जम्मू के तीन अज़लाओं में जो 250 मिलिटेंट जो पाकिस्तान में मुकीम है उनकी जायदाद को जब्त करने के हवाले से मंजूरी दी गई है, क्या है पूरी तफसीलात इस हवाले से? जी उल्फत जी, पहले तो हम आपका शुक्रिया करते हैं आपने हमें लाइन पे लिए हैं जी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है जी। जो हुकूमत ने ले लिया है। हमारे यहाँ पर्टिकुलरली अगर आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त पीओके में एक्टिव 36 मिलिटेंट्स हैं जी, जिनके खिलाफ यहाँ पर आए रोज हमारी एजेंसियां और पुलिस में से SIU जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जी। वो आए दिन उनपे जो है कार्रवाई करते रहते हैं जिसपे वो छापे उनपे मारते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सीज किसी की प्रॉपर्टी हुई नहीं। लेकिन आए दिन लगता है कि इसमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस पे दस्ती और कार्रवाई करेगी। इसपे हमें यही लगता है कि हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से यहाँ पर थोड़ा सा ये रिव्यू और होने हो रहा था हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पर्टिकुलरली, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने काफी अच्छा काम करके इसको जो है जी कम से कम नीचे मतलब दबा के रखा हुआ है इस सिस्टम को। लेकिन हमारी यहाँ पर जो है SIU पर्टिकुलरली इसमें काफी अच्छा काम कर रही है जी। ये जो कार्रवाई आज रामबन और किश्तवाड़ के साथ साथ डोडा में भी देखने को मिली है, उस हवाले से वहां से क्या तफसीलात है, वहां पे उन मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है? डोडा में भी इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। कल हमें जो है वो SSP डोडा के साथ बात हुई थी तो उनने भी यही कहा था कि यहाँ पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन और रेड जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। किश्तवाड़ में पर्टिकुलरली कल जो है उनने 6 जगहों पर जो है वो क्या के 6 जगहों पे कम से कम उनने जो है वो अपनी सर्चियों को किया था जी, जी। लेकिन अभी तक जो है प्रॉपर्टी के बारे में जो आज फैसला आया है उस पर अभी हमारी बात हुई नहीं, तो देखते हैं कि इसपे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसपे जो है वो कार्रवाई होने वाली है पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डोडा में। जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है या जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी मिलिटेंसी को फरोग देने वालों के खिलाफ जो पुलिस और हमारी जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कार्रवाई कर रही है, उस हवाले से क्या इकदाम अभी उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से? एक्चुअली में सिक्योरिटी एजेंसियां भी इसी चीज के इंतजार में अभी तक चल रही थी कि किसका डिसीजन आए क्या उधर से, लेकिन आज हुकूमत ने काफी अच्छा फैसला किया है इसपे जो है वो जल्द से जल्दी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में जी जी इसपे जल्द से जल्दी जो है वो कार्रवाई की जाएगी जी। जी शुक्रिया आरिफ हमारे साथ अफसलात शेयर करने के लिए।